हे हाय गाइस, तो सैमसंग ने अपने फाइनली एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है J8 के नाम से। बट गाइस, अगर आप ये स्मार्टफोन लेने का सोच रहे हो तो आज के इस वीडियो को कंप्लीट अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मे भी ऐसा हो सकता है कि ये स्मार्टफोन आप लेना पसंद ना करो। तो चलिए, क्या है इसकी खूबी और क्या है इसके डिमेरिट्स, आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग स्मार्टफोन के फीचर्स के विषय में जाते हैं। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशंस आपको देखने को मिलता है वो मिलता है आपको, इसमें स्क्रीन जो मिलती है वो 6 इंचेस की HD+ स्क्रीन, जो कि आपको सुपर एमोलेड की इन्फिनिटी डिस्प्ले के साथ आती है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सुपर एमोलेड का इन्फिनिटी डिस्प्ले सैमसंग की तरफ से दिया जा रहा है, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। बट यहाँ पे आपको HD+ का रेजोल्यूशन मिलता है, दैट मीन्स कि आप इसमें 720p के ही रेजोल्यूशन को सपोर्ट कर सकते हो, फुल HD वीडियोस आप इसमें नहीं देख पाओगे। तो चलिए, इस सेगमेंट में एक चीज तो काट लिया गया है, कोई बात नहीं, चलिए हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में देखते हैं। तो यहाँ पे जो आपको बैटरी कैपेसिटी मिलती है वो है 35,000 mAh की, जो कि एक अच्छी डील हो सकती है। और अगर मैं इसकी रैम कैपेसिटी की बात करूं और इंटरनल स्टोरेज की विषय में बात करूं तो यहां पे भी एक अच्छी डील निकल करके सामने आती है, क्योंकि इसमें आपको मिलता है 4GB का रैम और 64GB की इंटरनल स्टोरेज। अब अगर मैं इस स्मार्टफोन के सबसे अच्छी फीचर्स की विषय में बात करूं तो वो है इसका कैमरा सेटअप, क्योंकि स्मार्टफोन जो है ये डुअल कैमरा सेटअप के साथ आता है। और मैं आपको ये बता दूं कि सैमसंग का ये स्टार्टिंग रेंज का स्मार्टफोन है जो कि डुअल कैमरा सेटअप के साथ आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं इसके कैमरा की विषय में बात करूं तो यहां पे जो आपको रियर साइड में फर्स्ट कैमरा मिलता है वो आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का, जिसमें एपरेचर इस्तेमाल किया गया है 1.7 का। और साथ ही साथ इसमें जो सेकेंडरी कैमरा आपको देखने को मिलता है वो है 5 मेगापिक्सल का, जिसका एपरेचर 1.9 का है। और इसके साथ में आपको एक LED फ्लैश लाइट भी देखने को मिल जाएगी। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे सेल्फी कैमरा का, तो सेल्फी कैमरा आपको देखने को मिलेगा 16 मेगापिक्सल का, जिसमें एपरेचर 1.9 को इस्तेमाल किया गया है। और अच्छी बात यह है कि इसमें भी आपको LED फ्लैश लाइट का सपोर्ट मिलता है। अब अगर मैं इसके बैक साइड की विषय में बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक फिंगरप्रिंट सपोर्ट दिया गया है, जो कि आपके फिंगरप्रिंट को कैप्चर करने में आपकी मदद करेगा। अब अगर मैं इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर सेगमेंट में जाता हूँ, जो कि एक स्मार्टफोन का इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, वो प्रोसेसर सेगमेंट में अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे जो प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया है इस स्मार्टफोन में वो है स्नैपड्रैगन का 450 एक अच्छा प्रोसेसर है। बट गाइस, अगर मैं अब इस स्मार्टफोन की आपको प्राइस बताऊं कि इंडिया मार्केट में इसकी क्या प्राइस होगी, तो यहाँ पे जो प्राइस आपको देखने को मिलेगी वो है 19,000 रुपीज़। 19,000 रुपीज़ के सेगमेंट में अगर मैं प्रोसेसर को इससे कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पे जो प्रोसेसर आपको मिला है स्नैपड्रैगन का 450, वो स्नैपड्रैगन का 450 अप्रॉक्स 10,000 के बजट सेगमेंट वाले स्मार्टफोन में आपको काफ़ी पहले से देखने को मिल रहे हैं। बट यहाँ पे गाइस, 19,000 रुपये के बजट में ये स्मार्टफोन लेना एक अच्छा डील तो है, बट अगर मैं इसे प्रोसेसर के कंपेयर करूं तो फिर यहां पे ये मार खा जाता है, क्योंकि इस सेगमेंट में ये प्रोसेसर बिल्कुल भी मैच नहीं करती है। पता नहीं सैमसंग क्यों ये चीज नहीं समझ सकता है और ना ही ये चीज लाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर इस स्मार्टफोन का बजट सेगमेंट 15,000 के अंदर होता तो ये एक बहुत ही अच्छी स्मार्टफोन होती मेरी तरफ से, और शायद आपको भी ये बहुत अच्छा पसंद आता, क्योंकि 15,000 के बजट सेगमेंट में आज के टाइम पे मार्केट में बहुत सारे स्मार्टफोन अवेलेबल हैं। बट ये सेगमेंट अगर सैमसंग की तरफ से आ जाता डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ में, तो ये बहुत ही अच्छी पकड़ बना सकता था अपनी मार्केट में। बट 19,000 रुपये देकर के ये स्मार्टफोन परचेस करना एक बहुत ही अच्छी बात नहीं है। मैं तो नहीं मानता कि 19,000 रुपये देकर के आप स्नैपड्रैगन का 450 प्रोसेसर के साथ में कंपेयर कर लो और फिर फुल HD रिजोल्यूशन भी आपको इसमें देखने को नहीं मिलती है। ये अच्छी बात है कि इसमें आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन इस्तेमाल किया गया है और साथ ही साथ इसमें आपको फेस अनलॉक भी दिया गया है, तो मैक्सिमम अभी सभी स्मार्टफोन के साथ आपको नए स्मार्टफोन के साथ देखने को मिल ही जा रहे हैं। और अगर मैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिलता है एंड्रॉयड ओरियो का OS, जो कि एक अच्छी बात तो है ही। बट गाइस, ओवरऑल अगर मैं इसे कम्प्लीटली कंपेयर करता हूँ सभी से, तो ये स्मार्टफोन एक बहुत ही अच्छा डील है, बट प्राइस सेगमेंट के साथ ये मैच नहीं करता है। तो आपका क्या मानना है कि आप 19,000 रुपये के बजट सेगमेंट में ये स्मार्टफोन परचेस करना पसंद करोगे या नहीं करोगे, जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। मेरे हिसाब से तो ये 19,000 के बजट सेगमेंट के लायक नहीं है, ये अगर 15,000 के अंदर होता तो ये मैं मान सकता था कि ये एक बहुत ही बेस्ट डील हो सकती थी। तो आई होप गाइस कि आपको ये स्मार्टफोन पसंद आया होगा और शायद ये वीडियो भी पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और मिलते हैं आपसे कुछ नए और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ में। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।